ऐ दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक सफ़र से, जहां मैं अकेले चल दिया अरेबियन मंदी के रास्ते। दिल में उम्मीदों के तारे लेकर कार की हवा ने साथ दिया और शाहीन बाग पहुंच गया। शाहीन बाग पहुंचते ही सोचा कि क्यों ना साथ लिया जाए रगीब भाई का। हाल यमीन में खड़ा हूं बिल्कुल। अरेबियन मंदी की महक ने हमारा मन भाया। अफगानी तंदूरी चिकन का स्वाद झलका और मुर्ग मसाला ने भर दिया हमारे दिलों को प्यार से। ये था एक सफ़र, एक कहानी अल यामीन रेस्टोरेंट का, जो लेकर आया खुशियों का जायका। क्या करेंगे अगले कदम, किस मोड़ पर जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये सफ़र, जहां रहेंगे हम आप और जायकों की कहानियां। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अल यामीन पे और मैंने गाड़ी बिल्कुल गली में करके लगा दी। वैसे गाड़ी खड़ी करने की बाहर जगह पे, लेकिन कुछ काम चल रहा है वहां पर। तो अब हम लोग फोन करते हैं भाई अपने रकीब भाई को, जिनको हमने बुलाया है। मैं खड़ा हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अल यामीन का हम लोग कुछ अरेबियन ट्राई करेंगे। वैसे यहाँ पर मुगलई भी है, तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सर नजर, खुश आमदीद आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। कुछ अरेबियन ट्राई करेंगे या मुगलई ट्राई करोगे? अरेबियन कर लेते हैं। हाँ चलिए, ये बहुत बढ़िया हुआ कि इनका साथ मिल गया, क्योंकि आज मैं बिल्कुल सोच रहा था कि अकेला ही मतलब ब्लॉग बनेगा। कल मैंने शिकायत की थी, ये शाहीन बाग आए थे, कहाँ गए थे? कुरैशी में गए थे। मैंने कमेंट किया कि भाई शाहीन बाग में आ, तो मैं यहीं पे रहता हूँ, फोन नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा एक बार ट्राई करके पूछ लेता हूँ। और आज तो वैसे ही बिल्कुल अकेला आ रहा था, साथ में कोई भी नहीं था, मतलब सोच रहा था कि आज अकेला ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अभी गार्ड साहब ने बोला कि भाई गाड़ी वहां लगा लो, अंदर गली में लगाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी गाड़ी निकली थी तो उसको दिक्कत हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि सीढ़ी भाई मैंने ही लगाई है, हमारी जो रेस्टोरेंट की है ना रिजर्व रहती है, मतलब तो उस वजह से हमने सीढ़ी लगाई, क्योंकि और कोई ना लगा दे, रेस्टोरेंट में जो आ रहा है वो ही लगाए। तो अपनी गाड़ी वहां लगाते हैं पहले, फिर बात करते हैं। तो गाड़ी खड़ी कर दिया भाई। यामीन फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप? चलो देखते हैं भाई, बैठो रखिए भाई। अच्छा चलो, अब मैं ले ही आया आपको। ये इनका भाई मेन्यू है, ठीक है ना? तो चेक कर लो भाई इनका मेन्यू, फिर हम लोग चेक करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या ऑर्डर देते हैं। वैसे मेरा मन है मंदी लेने का स्पेशल। मंदी तो लेनी लेनी है। हाँ, अरेबियन मंदी और बाकी कुछ और भी देख लेंगे, ठीक है? ये मेन्यू है इनका पूरा, तो अब डिसाइड करते हैं क्या लेना है। भाई एम्बियंट तो बहुत जबरदस्त है, अब देखते हैं कि खाना कितना जबरदस्त होता है। हैंड वॉश कर लिया हमने, चलिए। तो ये आ गया भाई, ये क्या हमारा अफगानी अफगानी चिकन है भाई। ये गिलास हटाओ ये बीच में से, और प्याज थोड़ी सी यार मतलब और अच्छी लग सकती थी, क्यों है ना राकी भाई? चलो शुरू करते हैं। प्याज की कटिंग जो है ना, मैं तो बात तो भाई भाई प्याज से ही चेक करता हूँ पहले, ठीक है? ये चीज मस्त है ना, तो सब कुछ मस्त है ना। ये ट्राई कर लेते हैं, चलो प्लेट सीधी कर लेते हैं। लो रखो भाई, ये देखो, ये इनका अफगानी तंदूरी है, सिखा के देखते हैं पहले। चलो ही पास हो चुका है। पास है ना, मजा आ गया। हाँ रखी भाई, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है उस वाली, वो आपका वाला ना, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है हार्ड हो, थोड़ा हार्ड है। चटनी के साथ ट्राई करते हैं। चटनी के साथ तो बिल्कुल पास है ना, जबरदस्त चीज है भाई। देखो भाई, ठीक है, चटनी के साथ नींबू डाल के देखें। मजा आ गया भाई। हम्म,
नींबू से भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अब ये आ गया है, ये क्या है, ये क्या है, ये मुर्ग मसाला, और ये हमारी रोटी हो गई, और हमारी मंदी रह गई अभी, है ना, मंदी रह। तो भाई ये आ गया हमारा, ठीक है ना, और इसको देखो, मसाले तो खूब अच्छे लग रहे हैं देखने में, बाकी उतारते हैं इसको। हाँ, धुआं अभी गरम गरम बन के आया पूरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कहाँ की अरब की डिश है क्या? अरब की डिश नहीं, नहीं नहीं, अरब की डिश नहीं है, अरब की हमने मंदी मंगाई है, मंदी, ओनली मंदी, ठीक है ना। अब हम अपनी रोटी उठाते हैं भाई, ये देखो रोटी, रोटी बड़ी गर्म है यार, गर्म है, छुई नहीं जा रही रोटी, रोटी गर्म है, छुई नहीं जा रही है। खुशबू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? देखते हैं भाई, सब देखते हैं, ये देखते हैं भाई कि इसको, इसकी ग्रेवी चेक करते हैं, इसकी खुशबू अच्छी आ रही है भाई मसालों की। उनकी तरफ से। अब मैं भी ये भी बोटी चेक करता हूँ, ओहो देख रहे हो भाई, गर्म बहुत है, पर थोड़ा सा वेट करता हूँ। इतना गर्म है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा है भाई, गर्म गर्म गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा वेट करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा धुआं इसका, देख सकते हैं आप। भाई बोल रहे बस गर्म है, धुआं दिख रहा है। यार दिख जा, इस बार ना पता क्या हुआ, बोटी मेरे पास टाइट वाली आई है और आपके पास शॉर्ट वाली आई है, बराबर हो गया, तो ये टूट नहीं रही है मेरे से, और तो गरम ऊपर से। कितने मंगाई थे भाई? चार मंगाई थी मैंने। अच्छा, आधा आधा मैंने तो मेरा ये भी, ये ट्राई करते हैं। रोटी में एक चीज है, मैदा कम लग रहा है, मतलब पूरी आटे की बनी हुई ना, पूरी प्योर आटे की बनी हुई, ऐसा नहीं है कि मतलब की मैदा पकड़ा देते ना, वो बड़ा मसला हो जाता है, मैदे वाली रोटी नहीं है। बाकी एक मला और चख लेते हैं भाई, इसका ठंडा हो गया अब तो, देखो भाई रोटी ऐसी है, रोटी ऐसी है, मजा चार पांच आराम से खा सकता है। तो चार रोटी खा के खा लो बस, सारी मैदे की नहीं है ना भाई। भाई ये आ गया भाई मंदी, अभी हमारा जो नीचे हुआ नहीं, अब मंदी आ गई हमारी, अब माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसको भी पूरा ट्राई करेंगे भाई, लेकिन अभी फिनिश करना है इसको। खाना में खा के आया था। अच्छा, भूख नहीं लगी, अब ऐसा सब खा के भाई कह रहा कि अब भूख मुझे देख के बढ़ गई, कुकिंग को भूख लग नहीं रही थी, खाना खा के आए थे, लेकिन ये सब देख के ना भाई भूख बढ़ गई, और आप लोगों की बढ़ गई होगी, तो इसी बात पे ना सब्सक्राइब कर देना। तो भाई हम लोग इस वक्त फारिग हो गए, अब हम लोग ये ट्राई करेंगे, तो इसमें जो पड़ा हुआ ना देखो भाई, अब इसमें काजू, काजू तो नहीं, बादाम है ये रहा, और किशमिश, और ये शिमला मिर्च वगैरह, ये शिमला मिर्च, हाँ पीली, एक दो तीन, तीन तरीके की हमारी चटनी है, और हाँ अभी खीरा भी दिखाया मैंने, ये मायूनीज है, ये मायूनीज होगी, ये देखते हैं। अब प्लेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ना इसका पूरा टेस्ट नहीं लेना है। रकीब भाई को ना ये चटनी पूछना है, ये चटनी कोई दूसरी है, मसाले जो होती है ना शायद पैरी पैरी वाली, हाँ उस टाइप की कोई चटनी है ये, बाकी खाते हैं तो पता देख पताते हैं, दूसरी प्लेट उठा लेते हैं, ताकि हमें इसी का ही मजा चाहिए पूरा, हम खा ही नहीं पाएंगे, तो हम साइड से उठाते हैं अपनी ये मंदी। वाह चावल देखें, बादाम पूरा भाई, हाँ ये श्री, ये उठा ली मैंने अपनी, शिमला मिर्च, खीरा भी ले लेते हैं, ठीक है ना, और मैं ये उठा लेता हूँ भाई, इसमें से ये खींचता हूँ, ये हाँ हाँ देख लो, भाई मजा आ गया। तो ये हमारा प्लेट सेट हो गई पूरी, चटनी बाद में ट्राई करेंगे, पहले हम चावल ट्राई करते हैं खाली।
ठीक है। चावल में कोई टेस्ट नहीं है अपना, बाकी इसको ट्राई करते हैं। देख लो आ गया बहुत आला। अब मैं ना ये वाली चटनी ट्राई करता हूँ, इसका टेस्ट करते हैं। चटनी हो गई, ये अपना योगा सेटअप पूरा, ठीक है। बाकी ये वाली चटनी भी ठीक लगी मुझे। अब मैं ये लाल चटनी देता हूँ, लाल चटनी अपनी फेवरेट। ये देखो भाई लाल चटनी हम डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हम लोग बना लिए अपना निमाला, ठीक है। ये हम लोग चेक करते हैं। ये पूरी जो है अरेबियन में जो है ना थोड़ा मीठा आता है, तो ये मायनीज भी डाल के देखते हैं, ठीक है। पता हम कहाँ भाग रहा है ये। खाइए, मैंने पहले खाई है। ये अपना सीरियन होटल पे खाई थी जो हौजदानी में है, मैंने वो प्योर मंदी अरेबियन थी। अच्छा, इसकी वजह से ना मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं था, मतलब हम जैसे को मजा नहीं आने वाला वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल फीकी थी, मीठी थी वो, क्योंकि प्योर अरेबियन थी वो। अच्छा, ये प्योर नहीं है, ये प्योर अरेबियन नहीं है, इसमें तो बस इंडिया इंडियन तड़का लगा हुआ है इसमें। मुझे लग रहा है ये कब्सा राइस की, हाँ कब्सा राइस का वो आ रहा है। ये प्योर मंदी तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें इंडियन तड़का लगा हुआ है भाई इसमें। वही कुछ भी वो है जबरदस्त, मजा आ रहा है ना। अच्छा कब्सा राइस लग रहा है, ये कब्सा मैंने नहीं खाया आज तक। कब्सा राइस भी जो है ना वो भी मुंबई में से है, मतलब अरेबियन डिश है वो। ऐसा ही लंबा चावल दे देंगे उसमें से बड़ी बड़ी कोकी रहती है, उसमें भी किशमिश काजू सब नहीं, उसी शायद अरेबियन को ही कब्सा कहते हो, हो सकता है। मंदी को, मंदी को ही कब्सा कहते हो, बाकी कमेंट करके बताना क्या है, ये दोनों अलग चीज है या सेम है। तो ये बिल आया भाई हमारा 1285 रुपये का। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग अल यामीन फूड्स का, जो पुरानी दिल्ली में वो अलग है, अलग अलग ब्रांचेस है, पर नाम जरूर सेम है, पर ये मत समझना कि ये पुरानी दिल्ली वाला ही ब्रांच है। मंदी इनकी ठीक थी ना, मजा आ गया आपको। थोड़ा सा नमक आप कह रहे थे कि थोड़ा सा चिकन में कहीं कहीं पे जो नमक जो है ना वो थोड़ी सी मैरिनेशन में थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन माशाल्लाह खाना बढ़िया था, सही था, बहुत बढ़िया था। 1285 थोड़ा सा कॉस्टली लगा ना हमें। चिकन मंदी थी ना 685 रुपए की। अच्छा चिकन मंदी थोड़ी सी हमारी थोड़ी कॉस्टली हो गई, वो तो महंगी थी, बाकी सब 200 रुपए का तो रख लो, 200-300 ऐसे ही था। उसके अलावा सबसे बेस्ट वो लगा था मेरे को चिकन कोरमा, क्या था वो ग्रेवी का जो आइटम था, चिकन कोरमा था वो, वहाँ चिकन मसाला कुछ नाम भी भूल गया उसका। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, खाना बहुत जबरदस्त था। रकीब भाई को हम अलविदा कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे, कोई नहीं भाई, शुक्रिया आपका, आपके वीडियो हमारे मतलब, अरे नहीं ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारी वीडियो में मतलब आप तशरीफ लेके आ रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। बाकी नहीं, दूसरी चीज ये मेरे मोहल्ले में आकर के हमको खिला के जाना है भाई ये। अरे नहीं नहीं ऐसी कैसी बात करती, और वीडियो कहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान, अल्लाह हाफिज़।